आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मिर्जापुर में मजदूर सभा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी गांव-गांव जाकर जन चौपाल के माध्यम से समाजवादी पार्टी की नीतियों व सिद्धांतों को बताने का काम करेंगे। ये उद्धार पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में आयोजित मजदूर सभा के पदाधिकारियों की बैठक में मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री धनीलाल श्रमिक ने कहा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर संगठन को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार मजदूरों का उत्पीड़न कर रही है। सरकार को खाड़ फेंकने के लिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत का एहसान भी कराना पड़ेगा। नवनियुक्त पदाधिकारियों से कहा कि आप लोग अपने जिम्मेदार का निर्वहन मेहनत और निष्ठापूर्वक पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें। कहा कि समाजवादी सरकार में कराए गए जन कल्याणकारी कार्यों को जनता के बीच जाकर बताएं और बूथ स्तर तथा संगठन को मजबूत बनाने का काम करें, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की जीत सुनिश्चित हो। सपा के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने दबे कुचले पिछले बार शोषित को हाशिए पर रखा है। संविधान के अनुसार मिल रहे आरक्षण बढ़ाने की बजाय समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि सपा ने सिर्फ विकास की राजनीति की है और गरीब असहाय लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रही। तो नेवल आज उनको लेकर के था कोई क्षेत्र नहीं, क्षेत्र उनको लेके हमारे मैं जाते हुए और विजय जी मिल करके पूरे कार्यक्रम के रूप में हमारा कहना, देखिए आने वाली जो सरकार इस समय है बेईमान सरकार, झूठी सरकार, निकम्मी सरकार, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। आज बड़े दूर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। हरी राम जी हमारे लाल में एक लड़की के साथ भेद हुआ, उसका राखन करा के मत दीजिए कि उनको राखन चना चलवा दिए और चना चलाने के बाद उनको अंत में भाजपा वाले अपने पार्टी से उनको बाहर किया। और हमने कमेटी फिक्स कराए लखनऊ से, जैसे हमारे दो तीन जो विधायक हम लोग करके लाल है वहाँ पे उनके घर पे गए और मुकदमा को लिखवाने के बाद राजीव थाने पर बैठा था आ रहा था और उसको बंद नहीं कर रहे थे हम लोग। जब तक उसको ये जो निकम्मी सरकार है आप लोग देख रहे हैं, महंगाई चलता पर जो सब जान रहे हैं भाई बोर्ड भी बताई रही थी कि हमें गरीब आदमी को ऐसे खा रहा है कैसे पी रहा है, उसके सामने रोटी रोटी की इतनी बड़ी समस्या है। सरकार को जब तो फल देखेंगे, इस सरकार केवल 5 किलो हटिया लगा करके जनता को बेवकूफ बना करके और वोट के लिए काम कर रही है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।